हेलो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले, दो दिन ही पहले शायद, मुझे कुछ ड्रीम्स के थ्रू एनर्जी रिसीव हुई है, क्योंकि मैं यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझे जो एंजल्स है आपके लिए भी बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास छोड़ते हैं। तो देखिए ये एनर्जी किससे रेजोनेट करती है, हो सकता है ये रेजोनेट एनर्जी जो है कलेक्टिव में भी रेजोनेट करे। थर्ड पार्टी चेंज कर दी गई है इस वक्त। थर्ड पार्टी जो है डिवाइन मैस्कुलाइन की मदर हो सकती है, ओके, बहुत लोगों के लिए। और ऐसी एनर्जी मैं लगातार पिक कर रही हूँ नाइट से, कल नाइट से। दो तीन दिन पहले मुझे ड्रीम में दी गई थी ये एनर्जी, और दो दिन से मैं जो हूँ डिवाइन मैस्कुलाइन की मदर की एनर्जी को जो हूँ रिसीव कर रही हूँ। अब उनके दिल में क्या ख्याल है मुझे नहीं पता, बट मैं एनर्जी रिसीव कर रही हूँ। तो ये आपके आपके ही डिवाइन मैस्कुलाइन की मदर की एनर्जी हो सकती है। मैं अपनी जर्नी को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती, क्योंकि भाई मैं सबको बता देती हूँ मेरे डीएम की एज बहुत ज़्यादा है और मेरी भी ज़्यादा है, एंड माय डीएम इज ऑलरेडी एंगेज, तो ऐसा कोई हमारे इसमें है नहीं। तो हाँ, सोल पर्पज़ ज़रूर मुझे दिया गया है इस यूट्यूब के थ्रू जो मैं कर रही हूँ। बहुत सारे डिप्रेशन लोगों को मैं रेकी सिखाती हूँ, एक सही इनर वर्क क्या होता है रेकी, जैसे ये ट्विन फ्लेम जर्नी भी सात चक्रों पर और कुंडलिनी शक्ति पर आधारित है, और रेकी भी सात चक्रों और कुंडलिनी शक्ति पर आधारित है। तो यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा है कि जो एक सिस्टमैटिक इनर वर्क रेकी ही है, चाहे आप मुझसे सीखो या किसी और से सीखो, क्योंकि रेकी में उन चीज़ों की प्राप्ति होती है जिन चीज़ों को आप 10-10 20-20 साल तक करते हो, उसके बाद वो सिद्धियाँ आपको प्राप्त होती हैं, वो जो है रेकी में आपको कुछ ही दिन में प्राप्त हो जाती है। तो बहुत लोग भटकाते हैं, गलत मार्गदर्शन करते हैं ताकि आप उनके आलतू फालतू इनर वर्क खरीदो और रेकी से दूर हो जाओ। दोस्तों, मैं फ्री में सबके लिए जो हूँ, एंड एस्ट्रोलॉजी भी, मतलब कुछ ऐसे वीडियो लेकर आने वाली हूँ जिससे कि जो रीडिंग नहीं करवा सकता, जिसके पास पैसे नहीं है, वो जो है एस्ट्रोलॉजी खुद का चार्ट खुद पढ़ सके। कुछ इजी ट्रिक्स, छोटे छोटे वीडियोस जो है मैं आपके लिए लाने वाली हूँ फ्री में, इसमें मैं पोस्ट कर दूंगी। कुछ किए हुए हैं जो प्राइवेट थे, लिस्टेड थे, वो मैं अब ओपन कर दूंगी, और जो नहीं है वो जो है मैं आपके लिए पोस्ट कर दूंगी। तो इस वक्त डिवाइन फेमिनाइन के लिए थर्ड पार्टी जो है डिवाइन मैस्कुलाइन की मदर है, ने एक ड्रीम के थ्रू मुझे कुछ मैसेज दिया गया। ओके, तो क्या ड्रीम देखा मैं बताती हूँ आपको। हर वक्त की तरह डिवाइन मैस्कुलाइन को जो है डायरेक्ट ड्रीम में नहीं दिखाया गया। यहाँ पे जो है कभी आपको आपके कजिन के रूप में दिखे, मुझे तो बुआ के सारे लड़के दिख चुके। ओके, तो पहले मुझे ये समझ में नहीं आया था। इवन मैं, मुझे याद है कि जब टावर मोमेंट हमारी लाइफ में होने वाला था मार्च 2020 में, उसके एक दो तीन महीने पहले भी मुझे बुआ के ही लड़के के रूप में जो है कुछ दिखाया गया था कि भाई इसके संग तुम्हारी जो है बदनामी होगी, और जो है तुम्हारा हस्बैंड जो है हाथ झटक के चला जाएगा, तो मतलब तुमको ऐसे फटक देगा। तो ये बुआ के लड़के के रूप में तो मुझे समझ में नहीं आया भाई, ऐसा तो वो तो मेरे मुझसे छोटा था, और उसके साथ कैसे मेरी बदनामी हो सकती है। तो ये भी था। फिर दूसरी बार और एक बुआ का लड़का, ओके, तीसरी बार और एक बुआ का लड़का। तो हर एक बुआ के लड़के जब तीनों खत्म हो गए, मतलब तीनों दिखाकर खत्म हो गए, अब न्यू चेहरा चाहिए, तो इन्होंने बुआ के लड़के के रूप में नहीं, कोई ऐसा जो ब्लड लाइन से हो आपके, मतलब दूर दूर से रिश्ते में हो, कोई भी हो, ओके, तो उसको उठाया गया। पर वो भी शायद एक आध महीने या साल भर से आपसे छोटा भी हो, तो उसको दिखाया गया। मुझे ऐसा दिखाया गया जैसे वो मेरा हस्बैंड है, ओके, और मेरा हस्बैंड है, मैं खुद उसको हाथ पकड़ के रोमांस के लिए लेके जा रही हूँ, और जो है हम रोमांस करने ही वाले, इतने में जो है उसकी मदर आ गई। उसकी मदर आ गई, और जो था मेरा पार्टनर, जो हस्बैंड उसमें दिखाया गया था, वो फट से भाग जाता है वहाँ से, एकदम रन कर जाता है अपनी मदर से डर के। ओके, और अब ये एग्जैक्ट क्या मीनिंग है, मेरा हस्बैंड तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा हस्बैंड कभी मेरे बारे में रोमांटिक हुए ही नहीं वो, और हमारा ऐसा कुछ सिलसिला हुआ ही नहीं, जस्ट नॉमिनल मैरिज हुई, हमारा कोई भी कभी भी संबंध नहीं था। तो
जिसकी वजह से ऐसे ड्रीम मुझे मेरे पार्टनर मतलब जो कार्मिक पार्टनर है उसके लिए तो कभी भी नहीं आए, और हमेशा वो मुझे ड्रीम में भागते हुए ही दिखाई देता था, किसी और के साथ भाग रहा है, किसी और के साथ भाग रहा है, बस इतना ही दिखाई देता था। तो इस बार मैंने देखा कि जो दिख रहा है मेरा पार्टनर, वो अपनी माँ को देख के जो है भाग जाता है, उस रूम में माँ आती है और वो भाग जाता है। तो मैं उसकी माँ को एक बहुत बड़ी थाली, नहीं चाय की प्याली होती है ना उतनी ही शायद, उतनी ही प्लेट में जो है कुछ खाना देती हूँ और वो उसको देती हूँ, बस इतना ही ड्रीम था वो। तो ये इस ड्रीम का मतलब मुझे भी समझ में नहीं आया, क्योंकि हमारे भाई इस चैनल पे जो है बहुत खास खास स्टार सीड भी देखते हैं, डिवाइन फेमिनाइंस भी देखती है, तो आप ही बताओ इस ड्रीम का क्या मतलब है। हाँ, बट इस वक्त जो है डेफिनेटली थर्ड पार्टी जो है डिवाइन मैस्कुलिन की मदर को बनाया गया है, जो कि इनके कनेक्शन को, ऐसा तो कोई क्रुएलिटी वगैरह ऐसा तो चेहरे पे उनके नहीं दिख रहा था, बट मुझे मीनिंग ही कुछ समझ में नहीं आया। समटाइम्स ऐसा लगा कहीं एंसेस्टर पितरों को तो नहीं दिखाया गया, क्योंकि बहुत बार पितर मेरे ड्रीम में खाना मांगते हैं तो मैं इनको खाना दे रही हूँ। तो एग्जैक्टली मुझे भी समझ में नहीं आया, क्योंकि जो मीडियम की मदर है वो तो अच्छी है बहुत, और हमारा कोई संबंध नहीं, ओके। और बस ऐसे ही, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन हमेशा किसी और के रूप में आता है, तो बहुत ड्रीम्स में मुझे ये भी दिखाया गया कि जो डीएम दिखाया गया है उसके साथ मदर भी है, ओके। कोई भी हो फिर, मतलब कोई भी आपका कजिन हो, कजिन आपकी बुआ हो, वो भी दिखाई देगी आपको। तो जनरली 3 बार 4 बार मुझे ये ड्रीम दिखाया गया कि मदर को भी दिखाया जा रहा है, बार बार मदर को भी दिखाया जा रहा है। तो बहुत लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज है जो यंग लोग हैं, क्योंकि आज कहते हैं कि अवेकनिंग कुछ लोगों की जल्दी होती है, तो भाई मैं इसके ऊपर कोई भी स्टैंप नहीं लगाती, बट ये जरूर कहती हूँ कि कम से कम 25 के बाद तो मानिए, इतनी जल्दी मत मानिए, बहुत हार्ड होता है ये कनेक्शन। देखो इतने एक्सपीरियंस जो लेने पड़ते हैं उसके लिए एज होनी भी इम्पॉर्टेंट है, कम एक्सपीरियंस आप जो है कम एज में नहीं ले सकते, कुछ एक्सपीरियंस लेने के लिए जो है आपकी एज होना भी इम्पॉर्टेंट है। और ये जर्नी कोई शादी बच्चे इसके है ही नहीं दोस्तों, भूल जाओ के ये शादी बच्चे इस जर्नी, सोसाइटी में अपना एक रिश्ता बनाना, ये वो जर्नी है नहीं, कंप्लीट सोल पर्पस की जर्नी है। और आपको ये रियलाइजेशन, ये सीरियसनेस जो है ऑटोमेटिक आपके अंदर डाला जाता है जब आप थोड़ी सी एनर्जी अपनी राइज करते हो। तो ये एनर्जी मुझे बतानी थी, तो ये स्पेशल एनर्जी है, इसमें भी अगर आपको कुछ समझ में आता है तो ज़रूर आप मुझे बताइए। ओके दोस्तों, थैंक यू।